अदनान, ये बच्चा आप लोगों के पास होता है? जी जी, ये सामने मजार पे रहता है और बच्चों को कुरान पढ़ाने आता है। अच्छा, चलिए अपना इंटरव्यू कंप्लीट करते हैं। जी, आप और हमसे कुछ पूछ रही थी ना, क्वेश्चंस? जी, तो मिसेस अदनान, आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ तक है? पारस, किसके साथ खेल रहे हो आप? बेबी जी, मैं खेल रहा था बाबा के साथ। तुम? पर तुम तो नहीं नजर आए। मैं नजर नहीं आया? मैं आपको नजर ही कहा था बेबी जी। नहीं, वो ऐसा लग रहा था कि फारिस के पास खुद बॉल आ रही है। मम्मा समझी, हाँ कोई जिन है। बीबी जी, कोई जिन भी नहीं होते। Anyways, you continue. इस बार तो मैंने संभाल लिया, आगे से ध्यान रखना। एक लड़का रह गया। आगे छुट्टियां। कोई बात नहीं, मजा आएगा। मिसेज रिजवान, क्या कह रही हैं आप? मेरे बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हुआ है और इस बुरी तरीके से उसे मोड़ा है। बेटा, क्या नाम है उसका? उसका नाम फारिज है। देखिए, वो छोटा बच्चा है, मैंने उसको बुलवाया है, आप खुद देख लीजिएगा। और क्या कहा है बेटा उसने आपको, बताएं अपनी मैडम को। मैम, उसने कहा था कि वाजिद को भी उसी ने मारा है और मेरा हाथ भी उसी ने तोड़ा है। देखे, वो बच्चा आ गया? जी आ गया। अंदर भेजिए। नहीं मैम, उसे नहीं बुलाएं। He's a monster. दरअसल वाजिद की डेथ के बाद बच्चों पे बहुत बुरा और गहरा असर पड़ा है। You must take your kid to psychiatrist. May I come in, ma'am? Yes, come in. साइन, आर यू आउट ऑफ योर माइंड बेटा? फारिस, बेटा आपने साइन को मारा है? साइन को कब? 9 व्हाट डू यू थिंक मैम? उठो साइन बेटा, उठो। थैंक यू मिसेस रिजवान, चले आए। साइन के हाथ पे क्या हुआ है मैम? कुछ नहीं, बस चोट लग गई है। आप जाएं अपने क्लास में। ओके मैम। बेवकूफी की बातें मत करो अदनान। पता नहीं कौन बच्चा होगा, किसका बच्चा होगा। कैसी बातें कर रही हैं आप? बच्चा बच्चा होता है, इंसान का बच्चा होगा। रुख में तासीर, हर सोबत का असर, बड़े बूढ़े ये मिसाल देते हैं। इंसान धुल जाता है लेकिन तासीर रह जाती है बेटा। तो फिर आप बताएं क्या करें हम? हर तरह का इलाज करा चुके हैं,
और अब तो डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया है। तो फिर हमारा अपना खून भी तो है। पारस, मां, अभिया से हम में से किसी का रिश्ता नहीं हुआ। हमें तो मालूम भी नहीं कि वो कहाँ है। और विक्की भी गायब। हाँ, वो तो अगवा हो गया था। बहरहाल मैं तो ये जानती हूँ कि तुम अभिया को तलाश करो ना, बच्चा मांगो उससे, हक है तुम्हारा, तुम्हारा खून है, ले आओ उसे। और ख्याल है कि अभिया को भी आजाद कर दो, तलाक दे दो उसे। भाई हो सकता है कि वो भी कहीं शादी करना चाहती हो। आमना, तुम क्या कहती हो इस बारे में? अदनान अम्मी ठीक ही कह रही हैं। क्या कह रही हैं? आज नहीं तो कल फारिस अपने हक के लिए आपके पास आ ही जाएगा। हो सकता है लाइलमी में आपसे नाराज हो और आपके जज्बात की कदर ना करे, लेकिन उसे क्या पता कि आप उसे कितना मिस करते हैं। मिस तो मैं करता हूं उसे। आप उसे ले क्यों नहीं आते और अपना वादा भी पूरा कर दें? वादा? कौन सा वादा? जो आपने डैड से किया था, क्या आप उन्हें तलाक दे देंगे? एनीवेज, ये बताएं कि आप कहाँ तलाश करेंगे? आपका कोई कांटेक्ट है उनसे? अच्छी तरह जानती हो ना तुम कि मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। मुझे लगा कि शायद आप कांटेक्ट में और आप मुझे ना बताना चाह रहे हो। I can't believe it. 7 साल हो गए हमारी शादी और तुम अब भी नहीं जानती कि मैं किस किस्म का इंसान हूं। Forget it. अच्छा ना, I'm sorry. अच्छा, नाराज तो मत हो। कहाँ तलाश करेंगे उन्हें? किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, कोई नुसरत है एक हमारी दोस्त, उसके थ्रू मालूम किया जा सकता है। ये वो फ्रेंड तो नहीं है जब हम शादी की शॉपिंग पे गए थे तो वो भी वहां मॉल आई हुई थी? हाँ, वही। अच्छा, आई एम गेटिंग लेट, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आपके पास अगर उनका एड्रेस है तो आप जाके मिल क्यों नहीं लेते? टेक केयर। Hi. Continuously बन जा रहा भाई उसका नंबर। मैंने भी कई बार ट्राई किया है यार। अदनान, वैसे आज तुम्हें 7 साल बाद उसकी याद आई है? यार नुसरत, वैसे मुझे याद आया,
लास्ट टाइम वो जब आई थी उसने कुछ मुझे एड्रेस बताया था अपना, बहादुराबाद समथिंग समथिंग, सो मैंने डायरी में नोट किया था। अब वो डायरी चेक करो, लाती हूँ एक मिनट। साइम तुम ना पागल हो गए हो यार, वो इतना छोटा सा है। यार समीर तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे, मैंने उसकी आंखों का कलर चेंज होते हुए खुद अपनी आंखों से देखा है, और मैं तो कह रहा हूँ तुम भी उससे माफी मांग लो, वरना। वरना क्या साइम, केजी के बच्चों को जाना बातें नहीं करो, सुपर पावर सिर्फ फिल्मों में होती है। अच्छा यार जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा मैं फोन बंद कर रहा हूँ, जब तुम्हारा दिमाग सही हो जाए ना फिर हम एक साथ खेलेंगे। से माफी मांग लो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्या हुआ नान, नुसरत ने कुछ बताया, कोई इन्फॉर्मेशन थी उसके पास? हाँ एक एड्रेस दिया था उसने मुझे, जो बिया ने 7 साल पहले उसे दिया था। गए आप वहां पर? अभी वहीं से आ रहा हूँ। आपको वो मिले थे? आमना उस जगह को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वहां कोई रहता होगा, ऐसा लगता है कि कई सालों से वो बात पड़ा है। आपने वहां किसी नेबर से पूछा क्यों नहीं, वो लोग वहां रहते भी थे या नहीं? 7 साल पुरानी बात है यार, किसी को क्या याद हो। ये भी तो हो सकता है ना कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने वो घर छोड़ दिया हो, और नेबर्स में से उनकी अच्छी फ्रेंडशिप हो, शायद उनको अपना नई जगह का एड्रेस दिया हो। हाँ, हो सकता है। मैं एक काम करता हूँ कि कल ऑफिस जाने से पहले एक और चक्कर लगा दूँ, किसी से पूछता हूँ, क्या पता कोई इन्फॉर्मेशन हो जाए। सितम है कभी तूने जाना नहीं, है क्या बेकरारी लहू में है जारी, ये झूठा फसाना नहीं।
सब खून रोए तो दामन भिगोए जो सब खून रोए तो दामन भिगोए भरा ये पैमाना नहीं क्या है राज कोई जिसकी जुस्तजू है पर्दों में रहता छुपा धुंधला सा वो साया मेरे रूबरू है जल के वो जैसे बुझा जान के भी शायद जान मैं न पाऊं यार लगता है आप मेरी जॉब मिलने की जरा सी खुशी नहीं है जॉब आपको मिली है तो खुशी भी आपको होनी चाहिए इससे बहुत बुरी हैं आप तो जैसे बहुत अच्छे आपसे अच्छा ही हूँ मैं किसी का दिल नहीं तोड़ता शायद तुम भूल रहे हो कि शादी से पहले हमारे बीच कोई कमिटमेंट हुए थे कि तुम अपनी मर्जी से रहोगे और मैं अपनी मर्जी से मेरे मामलात में इंटरफेयर करने की जरूरत तुम नहीं है हनान खुश नहीं है वो तो बस मुझ पर तरस खाते हैं मैं इस रिश्ते को और नहीं निभा सकती Excuse me. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. I'm sorry, मैं आपको ऐसे बीच सड़क पे रोक रहा हूँ नहीं कोई बात नहीं आप इसी एरिया में रहते हैं जी हाँ मैं आगे रहता हूँ अच्छा ये इस घर में कौन रहता था ये गालिबन एक औरत रहती थी यहाँ पे आप खातून तो पता नहीं लेकिन 6-7 साल पहले मिर्जा साहब रहते थे घर में अब तो उनका भी इंतकाल हो गया है हाँ एक फैमिली रहती है इस घर में अभी लेकिन जनाब यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है हाँ बड़े गेट पे तो ताला लगा होता उनके लेकिन जो दूसरा गेट है वो खुला रहता है अच्छा ये कौन साहब है मुझे नाम बता सकते हैं आप उनका ये शायद किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं इसीलिए इनको कोई जानता भी नहीं है शुक्रिया जनाब बहुत शुक्रिया यही है वो साहब मरकान साहब जी आप इधर तुम यहाँ यहाँ रहते हो जी साहब जी ये मेरा गरीब खान है आओ चाय मैं पिलाऊंगा जरूर जरूर अभिया कहाँ पर है पता नहीं साहब मुझे क्यों पता होगा आपको पता होगा जी उसने अपनी दोस्त को यहाँ का पता दिया था वो यहाँ रहती है तुम्हारे साथ नहीं साहब जी हमारे साथ क्यों रहेंगे वो हाँ वो कुछ साल पहले आई थी यहाँ अपनी पुप्पी के साथ 2-3 दिन यहाँ रही घर वर ढूंढ रही थी फिर वो मिल गया उनको घर वो चली गई यहाँ से तुम्हें मालूम है कि अब कहाँ गई है वो साहब जी हमें क्यों बताएं हम तो गरीब आदमी हैं इतने बड़े घर में रहते हो और खुद को गरीब बोल रहे हो साहब जी क्यों मजाक करते हो हम तो यहाँ सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं और हमारा साहब लोग मुल्क से बाहर रहता है ना हम यहाँ की रखवाली करता है इसलिए ये कौन है साहब जी हमारा बच्चा है हम ही अपनी घरवाली और बच्चे के साथ रहते ना शाहजहां सलाम करो हमारा पुराना साहब है ये सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम चलो मैं चलता हूँ अब अभिया के बारे में कुछ पता चले तो मुझे बताना अच्छा जी साहब कुछ भी पता चला मैं बताऊंगा आपके घर आ जाऊंगा आपका घर वही पुराने वाला है ना हाँ हाँ वही वाला है ठीक है साहब सलाम अल्लाह बज़ाहिर तो ये बिल्कुल ठीक है सिर बुखार है और उसके लिए मैंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी हैं आप इन्हें कुछ खिलाकर दवा दे दें ठीक समीर बेटा आप सोने की कोशिश करें ठीक है ओके मैम बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़
समीर बेटा प्लीज कुछ खा लो बेटा। मामा वो क्या हो गया तुम्हें बेटा? वो फारिस। कौन फारिस? अस्सलाम वालेकुम। हाँ बस ख्वाब में शायद डर गया है थोड़ा सा। नहीं नहीं बाकी सब तो ठीक है, बस थोड़ा सा बुखार हो गया है। वो तो शुक्र है कि आज स्कूल की छुट्टी थी। हाँ कल देखूंगी, अगर तबीयत ठीक हुई तो भेजूंगी, वरना फिर नहीं भेजूंगी। नहीं नहीं मैं सुकून ले ही जाऊंगा। वहाँ वो है वो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई भाभी ने बताया था आपको आज वापस उसी जगह जाना था, आप गए थे? हाँ गया था। फिर क्या हुआ? भरकान में दाम दिया वहां। भरकान? भरकान वहां क्या कर रहा था? अभिया भाभी फारिस? भरकान बता रहा था कि वो वहीं रहता है और अभिया और फारिस 2-3 दिन के लिए वहां आए थे रहने के लिए। भाई आपको याद है जब भाभी यहां से गई थी फरकान भी चला गया था विकी के घर? कि नबिया भाभी फारिस उस घर में और उन लोगों ने फरकान को कैसे रख लिया, उसको इजाजत कैसे दे दी? फरकान मुझे बता रहा था कि जो ओनर्स हैं वो अब्रॉड रहते हैं और ये सर्वेंट क्वार्टर्स में रहता है। सर्वेंट क्वार्टर्स? आपने देखा है वो कैसी जगह है? मेरीन, जब इंसान के पास रहने को छत नहीं होती है ना तो वो किसी भी हालात में रह लेता है। पप्पो का घर जब बैंक ने सीज किया था तो अभिया रही होगी 2-3 दिन के लिए। बेचारी अभिया भाभी तानी क्यों चली गई, दर बदर हो गई ना। ठोकर मार के चलेंगे अपने बसे बसाए घर को। अब उन्होंने जो किया उसका खमियाजा तो भुगतना था ना। खाला जान मैं ठीक कह रहा हूँ? क्यों साइम जी, उसने हमें धमकी भी दी थी और मेरा तो हाथ पकड़ा और मोड़ के तोड़ भी दिया। उसके पास कोई सुपर पावर्स हैं? नहीं नहीं भूत है वो। ऐसा कुछ नहीं है समीर, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा इस बच्चे का क्या मसला है। देखिए अगर उसके साथ कुछ भी मसला है और अगर उसने वाजिद को ऊपर से धक्का दिया था और जो कुछ भी उसने किया था, इस मसले का कोई तो हल होगा ना। एक मिनट प्लीज समीर, मुझे सच सच बताओ तुम लोगों ने क्या किया था उसके साथ? मैम हम सच बता रहे हैं, हमने तो उसके साथ कुछ भी नहीं करा था। हमने तो बस एक छोटा सा मजाक करा था और वाजिद ने तो बस उसे एक धक्का दिया था। और मैंने तो उसे कुछ कहा भी नहीं था। अच्छा यू गाइज डोंट वरी, सुबह देखते हैं इस मसले को। क्या हुआ तुम लोग सुबह स्कूल नहीं आ रहे? खाला जान मेरी तबीयत ठीक नहीं है और अब आप उसे फिर डांटेंगी तो वो फिर से तुम्हारे साथ? नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है। समीर ट्रस्ट मी,
मैंने कहा है ना कुछ नहीं होगा। चलती हूँ। डार्लिंग अभी तो ऑफिस आया हूं यार। माँ वो प्रेस क्लब चला गया। नहीं तो फिर काम करो कि तुम अब ये किचन के झंझट में नहीं पड़ना, खाना बाहर खाएंगे। अच्छा वो पहाड़ी आ गया, बाद में बात करते। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम जी आतिफ साहब, 7 महीने होने का है, कोई धमाकेदार स्टोरी नहीं आ रही आपकी तरफ से। कोशिश तो कर रहा हूँ सर, मगर बस जी क्या कोशिश कोशिश हो रही भाई, कोशिश से चलते हैं रुआ, स्टोरी से चलते हैं। स्टोरी स्टोरी चाहिए भाई, स्टोरी स्टोरी। उसे कुछ भी नहीं हुआ, बस सीढ़ियों से गिर गया था वो। हमारी सबसे बड़ी ताकत खौफ है। जब लोग डरते हैं तो हमारी ताकत बढ़ती है। जरूरी नहीं सबको चोट लगे, 2 को सजा मिलेगी तो बाकी 20 तुमसे डरेंगे। क्या बातें हो रही हैं? सलाम बीबी जी। हाँ सलाम। मैं फारिस बाबा को बता रहा था कि इसकी जीत में हमारी जीत है, इसलिए खूब मेहनत करके दिल लगा कर पढ़ो, हमारा नाम रोशन कर, मेरा मतलब है आपका नाम रोशन कर। अरे नहीं बुरकान, आपकी भी उतनी ही मेहनत है जितनी मेरी है, दिल लगा के पढ़ेगा तो आपका नाम भी रोशन होगा। जी बीबी मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आ रहा। नहीं नहीं बुरकान, सिर्फ कॉफ़ी लाते हैं। नहीं बीबी जी ऐसे आपको ऑफिस नहीं जाने दूंगा मैं, नाश्ता लेकर आता हूँ। अरे बुरकान देर हो रही है ऑलरेडी, रहने दीजिए। 10 मिनट से कुछ नहीं होता बीबी जी, पराठा बना लिया मैंने। मम्मा चाचा आपका कितना ख्याल रखते हैं। He's such a nice person. चले नाश्ता करें, खत्म करें, ये ले स्कूल नहीं जाना। जी जफर भाई आप जाए बैठो। मैंने सुना है तुम बहुत जीनियस और इंटेलिजेंट हो। लेकिन मैं कैसे मान लूं? मिस मुझे 1 से 1000 तक काउंटिंग भी आती है और एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ। साजिद के साथ तुमने क्या किया? मैं दुआ में गया था और बहुत रोया भी उनके साथ। उनके साथ? बाद में उनके लिए। और साइम उसका हाथ तोड़ दिया तुमने? हाँ टीचर, वो कह रहे हैं कि मैंने तोड़ा है, लेकिन वो इतने बड़े हैं और मैं तो इतना छोटा हूँ, छोटा बच्चा।
और समर उसके साथ क्या किया तुमने? अच्छा मुझे ये बताओ, वाजिद, समर, साइम, ये सब तुम्हें तंग करते हैं? यस टीचर। और तुमने क्या किया? मिस पहले तो मैं बहुत रोया, फिर मैंने अपने चाचा को शिकायत की। उन्होंने कहा मजाक कर रहे थे, वो बड़ों की बातों का बुरा नहीं मानते। ठीक है तुम जाओ, बट रिमेम्बर आई एम वॉचिंग यू। ओके ओके मिस। हाँ भाई क्या सिचुएशन है? बस यार प्रेजेंटेशन बना रही हूँ, फाइनल टच रह गया है। आज तुम फिर लेट हो गई ना? अशर मैंने आज फिर से वही ख्वाब देखा। कौन सा? वो बच्चे वाला? हाँ जिस दिन भी मैं वो ख्वाब देखती हूँ ना उसी दिन ही मुझे देर हो जाती है। अबिया क्या हुआ? अच्छा तुमने प्रेजेंटेशन रेडी कर दी? मुझे मेल कर दो, मैं चेक करके आगे फॉरवर्ड कर देती हूँ, और जल्दी कर देना ठीक है? यार मिस शायस्ता इतनी देर लगा दी, चाय ठंडी हो गई है। कोई बात नहीं, जफर से कहेंगे वो माइक्रोवेव करके ला के देगा। लेकिन रह कहाँ गई थी? हाँ मैं वो इंटरव्यू ले रही थी। किसका? वो फारिस का। क्या कहता है वो? नहीं कह तो कुछ नहीं रहा, देखने में तो बहुत मासूम है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज समथिंग वेरी फिशी। अच्छा छोड़ो उसको, आओ सेल्फी लेते हैं। वैसे ना बेचारे बच्चे को बदनाम ही कर दिया इन्होंने स्कूल में। मोना ये कैसी पिक्चर्स ले रही हो, ये क्या कौन सा फिल्टर लगा के रखा है? कोई फिल्टर नहीं है। रुको दोबारा लेते हैं। मुझे नहीं लेनी पिक्चर, पता नहीं कौन कौन से फिल्टर लगा के रखती हो, अपना मोबाइल सही करवाओ। ये देखो मैंने अभी फ्रेश पिक्चर ली है, कोई फिल्टर नहीं है। कुछ और चाहिए मैडम? हाँ ये चाय गर्म करके ले आए। जमाल भाई ठीक हो गए? तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं जरूर जाऊंगी वहां पे।
खुदा हाफिज। भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं। आप उदास ना हो। आपको पता है अभी मेरी एक दोस्त की कॉल आई थी, उसने मुझे एक मज़ार के बारे में बताया। वहाँ पे कोई बहुत पहुँचे हुए बुजुर्ग बैठते हैं, सुना है कि वहाँ पे जो दुआ मांगो कबूल होती है। उसके हस्बैंड जो है वो बेड पर आ गए थे, वो वहाँ गई, दुआएं मांगी और आपको पता है अल्लाह का ऐसा मुआवजा हुआ कि वो अपने पैरों पर खड़े हो गए वापस। वाह, बस इस थर्सडे हम दोनों भी चलते हैं वहाँ, आपकी दुआ भी कबूल हो जाएगी और मेरी मुराद भी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। चले उठे उठे मेरे साथ बाजार चले। मैं क्या करूँगी मेरी वहाँ जाके? तो आप यहाँ बैठ के भी क्या कर रही हैं भाभी, चले ना मज़ा आएगा। और वैसे भी बाजार जाने के लिए तो कोई ख़ास वजह नहीं होती, हम ऐसे ही चले जाते हैं। मुझे ना एक शर्ट ऑर्डर करने के लिए देनी है टेलर को, मैं वो दे दूँगी फिर हम लंच करेंगे साथ और घर आ जाएंगे। चले कि फाइन। आप ऑफिस नहीं गए? हाँ गया था बट जल्दी आ गया। एक्चुअली हम दोस्तों ने प्लान बनाया कि इस वीकेंड पर हम शिकार पर जाएं, इसलिए सोचा तैयारी भी कर लूं और अपनी वेपन भी साफ कर लूं। मेरी तो समझ से बाहर है कि शिकार पे हैंडगन की क्या जरूरत है। समझ नहीं आता। खाना खाएंगे आप? खाना लगवाऊं? बिल्कुल, हम भी लंच करेंगे। रशीदा खाना लगाएं, हम दोनों खाना खाएंगे।